हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एनी गेस बेक्ड गार्लिक पोटैटोज, जिसके लिए मैंने स्मॉल साइज के पोटैटोज, बेबी पोटैटोज ले लिए हैं, जिसको हम इसमें बॉइलिंग वाटर में 50% कुक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब पानी ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें हम ड्रॉप कर देते हैं अपने आलू को। क्योंकि ये बेक्ड गार्लिक पोटैटोज हैं तो लॉट्स ऑफ गार्लिक, सो आई एम चॉपिंग लॉट्स ऑफ गार्लिक। अभी हमारे पोटैटोज पारबॉइल हो गए हैं, मैंने स्पून से चेक करेंगे तो ये टेंडर हो गए हैं। अब मैं देखिए, सो ये टेंडर हो गए हैं। अब मैं ये पानी ड्रेन कर लेती हूँ और फिर हम कट करेंगे पोटैटोज। तो अब हम इन्हें कट कर लेंगे। देखा, पक गए। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून बटर है, मैं इसमें सबसे पहले बटर डाल दूँगी। एक टीस्पून ऑयल है, उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद जो हमने गार्लिक चॉप किया था ना, वो डाल देंगे हम इसमें, ओरिगेनो डालेंगे। इसमें हम कोशर सॉल्ट डालेंगे। हम इसे अरेंज कर देंगे बेकिंग डिश में अपने। तो हमारे पोटैटोज रेडी हैं बेकिंग के लिए, तो हम इसे रख देंगे ओवन में। यहाँ से देखो, लुक एट आवर पोटैटोज। Aren't they looking amazing? Beautiful. चल जाओ। तो हमारे बेबी पोटैटोज रेडी हो गए हैं, सो लेट मी टेस्ट। दिस इज लुकिंग प्रॉमिसिंग। I will dip it. Giving me mixed emotions. And it's too much sometimes. Mix the potion. Mix it up, girl. Put it in motion. Perfectly cooked. Baked. जो garlic, butter, oregano, सबका जो taste आ रहा है ना, all together is awesome. तो अगर ये आपको झटपट बनने वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे और भी बहुत कंटेंट आते रहेंगे, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट माय छोटा सा यूट्यूब चैनल।
See you, bye. Let me enjoy. Yum. You feel like raining.